नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर रतनलाल, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं। प्रोफेसर साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शुक्रिया। थैंक यू जी। प्रोफेसर साहब, अभी नागरिकता कानून को लाया जा रहा है, तो क्या कारण है कि इसको ला के क्या कहना चाहती है सरकार, क्या दिखाना चाहती है सरकार? सबसे पहली बात तो ये है कि बीजेपी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है जी। ईमानदारी का मतलब है कि उनको संविधान में आस्था नहीं थी जी। तो और मनुस्मृति लागू करना है जी, तो ईमानदारी से इस पर लगी हुई है। चाहे आप उठा के देख लीजिए, आप इनका पूरा 6 साल का जो पूरा 5.5 साल का शासन काल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल 10% रिजर्वेशन जी। आपको चाहे राम मंदिर का मसला हो जी, चाहे 370 हो जी, चाहे ट्रिपल तलाक हो जी, चाहे समान नागरिकता की बात हो जी, तो ये तमाम जो इश्यूज़ हैं, इस समय वो अपने एजेंडे पे काम कर रही है और ऐसा लग रहा है कि वो भाई भारत एक बहुलतावादी देश है और इसकी प्रावधान, ये तो संविधान निर्माता बहुत अच्छे तरीके से समझते थे, और जिस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, आज से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग और इनलाइटेंड लोग थे जी। उन लोगों ने इसके प्लूरल कैरेक्टर को रख के ही संविधान, उस तरह का संविधान बनाया गया था ना जी। लेकिन इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, इनकी आस्था तो ऐसे तिरंगे में ना है ना संविधान में है जी। तो जाहिर है कि इस तरह के पूरे, और दूसरी बात है कि हर मोर्चे पे सरकार फेल है जी। चाहे इकॉनमी ले लीजिए, रोजगार ले लीजिए, किसान ले लीजिए, मजदूर ले लीजिए, छात्र ले लीजिए। अभी देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगातार इनडेफिनिट स्ट्राइक चल रहा है जी। तो जब हर इकॉनमी का जो हाल है आप देख ही रहे हैं, प्याज क्या हो रहा है, प्याज और डॉलर एकदम बराबर आ गया, मुकाबला आगे बढ़ गया है वो इनफैक्ट, तो हर मोर्चे पे फेल हुई है। तो इसी तरह के इमोशनल इश्यूज़ को जो है, कॉमनल इश्यूज़, इमोशनल इश्यूज़, इस तरह के इश्यूज़ को लाना ये सरकार का फेलियर है। और मुझे लगता है कि संविधान की हत्या की साजिश है, और ब्यूटी इसकी ये है कि संविधान का शपथ लेकर ही संविधान पर कुठाराघात हो रहा है, ये ब्यूटी, ये लीला है जी। प्रोफेसर, इसको संविधान, इस कानून को लाने से किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, वो भी आप बताएं, क्योंकि आप इतिहास के प्रोफेसर हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा। नहीं नहीं, ये तो एक तरह से फिक्टिशियस हिंदुआइजेशन है ना जी, कि ये सीधा और सीधा जो है, जो हिंदुआइजेशन का प्रोसेस चल रहा है पूरे भारत में ट्राइब्स में, और यह है कि इसका रेसिस्टेंस भी हो रहा है कि अगर उसको प्रावधान को ठीक से पढ़ा जाए, अभी डिटेल्स में उसको पढ़ा जाना बाकी है, मैं भी थोड़ा व्यस्त हूँ, लेकिन जाहिर है ये सीधा और सीधा जो ना संघ और मनुस्मृति के एजेंडे पर सरकार काम कर रही है। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।